खबर मिल रही है। सपा के महासचिव राम गोपाल यादव ने निकाय चुनाव पर आए फैसले पर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर यूपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार की साजिश है। तथ्य न्यायालय के समक्ष जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किए गए। उत्तर प्रदेश की 60% आबादी को आरक्षण से वंचित किया गया। ओबीसी मंत्रियों के मुंह पर ताले। मौर्य की स्थिति बधुआ मजदूर जैसी। ये ट्वीट राम गोपाल यादव ने किया है। तो अब विपक्ष की तरफ से सरकार पर हमला किया जा रहा है और ये ट्वीट राम गोपाल यादव का। सपा ने भी इस पूरे मामले को लेकर एक ट्वीट किया है। सपा मीडिया सेल की तरफ से ये ट्वीट किया गया। पिछड़ा विरोधी भाजपा का असली चेहरा आज सामने आ गया है। भाजपा यादव विरोधी तो थी ही। भाजपा ने कुर्मी, कोयरी, लोहार, भुर्जी, कश्यप, निषाद, मल्ला, गोंड, धुरिया, नाई, तेली, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा समेत सभी अन्य पिछड़ा वर्ग सबको धोखा दिया। समस्त पिछड़ा वर्ग भाजपा की नीयत जान ले। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और विवेक हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, इस फैसले के बाद जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रहा है। राम गोपाल यादव ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सपा की मीडिया सेल की तरफ से भी एक ट्वीट सामने आया है जिसमें वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि यादव विरोधी तो थी ही, लेकिन अब तमाम जातियां गिना दी गई हैं, इनकी भी विरोधी है सरकार। बिल्कुल, देखिए ओबीसी बहुत बड़ा वोट बैंक है और इसको लेकर दोनों पार्टियों में कश्मकश जारी है। कौन ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अपने पाले में खींच पाता है। ओबीसी आरक्षण जिस तरह से राज्य सरकार ने लागू किया था उसको लेकर पहले भी समाजवादी पार्टी विरोध करती रही और जब पीआईएल इस पर दाखिल हुई, 60 से ज़्यादा पीआईएल दाखिल हुई थी जिसमें से 27 सिर्फ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जो ज्यूरिडिक्शन है उसके अंतर्गत जो जनपद आते हैं वहाँ से थी। 27 पीआईएल की आज जो फाइनल सुनवाई और हियरिंग के बाद जो फैसला आया है, आज उन 27 पीआईएल का फैसला आया था। और उस पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी कहा था भाजपा ने कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि चुनाव हो, इसलिए उन्होंने अपने किसी नेता के करीबी के माध्यम से पीआईएल दाखिल करवाई थी। ये आरोप भी शुरुआत में लगाया था। तो ओबीसी वोट बैंक को लेकर खींचतान जारी है, लगातार खींचतान चल रही है। बहुत बड़ा वोट बैंक है जिसके खाते में भी जाएगा निश्चित तौर पे, चाहे शहर की सरकार हो, प्रदेश की हो या देश की हो, उसकी बनती है जहां पर ओबीसी वोट बैंक गिर जाता है। इसको लेकर तमाम पार्टियां, जो समाजवादी पार्टी है और जो भाजपा है, उनमें आपस में तकरार चल रही है, शुरुआत से चल रही है और अब ये तकरार और बढ़ और गई भी है, ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है, विवेक लौटूंगी आपके पास। अपना दल एस की तरफ से भी एक ट्वीट सामने आ गया है, वो ट्वीट भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। ट्वीट किया गया है, ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। हम इस संदर्भ में माननीय लखनऊ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों का अध्ययन कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो अपना दल ऑफिशियल ओबीसी के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। तो ये ट्वीट अपना दल एस की तरफ से किया गया है, भाजपा का सहयोगी दल है। विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे अपडेट लेंगे। विवेक, एक तरफ विपक्ष निशाना साध रहा है और दूसरी तरफ सहयोगी दल इस बात का संदेश भी दे रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। निश्चित तौर पे अगर ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव हो जाएगा तो इसका बड़ा नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जिस तरह से आरक्षण का फार्मूला उन्होंने तय किया था वो खत्म हो जाएगा। सामान्य कोटे में सीटें आ जाएंगी। जब सीटें सामान्य हो जाएंगी तो आरक्षण जो परिसीमन हुआ था नगर निगम का, चूंकि बहुत सारे नगर निगम नए बने हैं, इस बार नए बनाए गए हैं, निकाय भी कई नए गठित किए गए हैं और वहाँ पर जो सीटें हैं, जो क्षेत्र हैं, जो इलाके हैं, उनका भी परिसीमन हुआ है और बहुत सारा वोट बैंक इधर से उधर हुआ है। जहाँ पर जो एक बड़ा हिस्सा ओबीसी का होता था या मुस्लिम आबादी का होता था या एससी का होता था, एसटी का होता था, शेड्यूल ट्राइब्स का, वो कट के अलग अलग जगह चले गए हैं। उस हिसाब से जो परिसीमन हुआ था और वो रैंडम सर्वे के आधार पर आरक्षण लागू किया गया था, ओबीसी आरक्षण, खासकर रैंडम सर्वे। चूंकि पिछड़ा वर्ग के आयोग का गठन नहीं हुआ है तो आयोग का गठन होता, ये बात भी कोर्ट पे चर्चा हुई थी, इस पर जब सुनवाई हो रही थी शनिवार को, जब दोनों पक्षों के सामने अंतिम बहस हो रही थी, तब ये मुद्दा उठा था कि अगर पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन किया होता, उस हिसाब से सर्वे किया होता, तब हम इस ओबीसी का जो आरक्षण व्यवस्था दी है सरकार ने उसको हम मानते, लेकिन आयोग के गठन के बगैर रैंडम सर्वे के आधार पर एक आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी गई, उसको मान्य नहीं माना जा सकता, उसको नहीं माना जा सकता। इसलिए ज़रूरी है कि अब जो ट्रिपल टेस्ट होता है, कमीशन का गठन होता है,
ट्रिपल टेस्ट के तहत ही कमीशन का गठन होता है उसको किया जाए, लेकिन वो इस चुनाव के लिए नहीं होगा, ये अगले चुनाव के लिए होगा। जब भी चुनाव होंगे, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, या फिर निकाय चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, उसके लिए होगा। अभी चुनाव कराना जरूरी है और इस चुनाव को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी से जल्दी करवा दीजिए, क्योंकि प्राथमिकता सरकार की ये होनी चाहिए, हाईकोर्ट की प्राथमिकता ये है कि चुनाव में विलंब ना हो, समय ना हो, जिससे जो लोकतंत्र के लिए ये अच्छा नहीं माना जाता है, चुनाव लंबे समय तक चलना अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि निकाय का पेच तो फंसा हुआ ही नजर आ रहा है, अब कोर्ट की तरफ से रास्ता साफ हुआ है तो सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। ठीक है, लौटूंगी विवेक आपके पास। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट और सामने आया है, वो भी जरा बता देते हैं। भाजपा सरकार ने पिछड़ों को धोखा दिया, भाजपा की बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिए संविधान को खत्म करने की साजिश, निकाय चुनाव में पिछड़ों और दलितों का हक मारने के लिए भाजपा सरकार ने गलत तरीके से किया आरक्षण, पहले पिछड़ों का हो आरक्षण फिर हो चुनाव। ये ट्वीट समाजवादी पार्टी की ओर से किया गया है, जिसमें कि सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहा है कि पिछड़ों को धोखा दिया है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिए संविधान को खत्म करने की साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, निकाय चुनाव में पिछड़ों और दलितों का हक मारने के लिए भाजपा सरकार ने गलत तरीके से आरक्षण किया है। विवेक हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। विवेक, ये ट्वीट भी सामने आ चुका है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और कहीं ना कहीं इस ट्वीट में निशाना तो साधा ही जा रहा है और ओबीसी वोट बैंक को अपने हक में करने की भी बात हर एक ट्वीट में सामने आ रही है। देखिए, आज के कोर्ट के फैसले से समाजवादी पार्टी को मौका मिल गया है, भाजपा के खिलाफ जो ओबीसी आरक्षण व्यवस्था लागू की थी, जिस तरह से अपने मनमानी आरक्षण किया था, जैसा उनका समाजवादी पार्टी का आरोप है कि मनमानी आरक्षण लागू किया गया था, अब हमला करने का मौका मिल गया। और समाजवादी पार्टी एक के बाद एक लगातार ट्वीट कर रही है, बचाव में भाजपा की मीडिया सेल भी सक्रिय है, वहाँ से भी लगातार जवाब दिए जा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभी जो शरद पाठक हैं अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के मुख्य अधिवक्ता, उनसे बात जो हमारी हुई, उन्होंने कहा कि अगर हाईकोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं हाईकोर्ट से फैसले के खिलाफ, तो ये सरकार के ऊपर है, यानी सरकार चाहती है कि ओबीसी आरक्षण का उसको पूरा पूरा फायदा मिले, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं, तमाम योजनाएं ओबीसी को लेकर सरकार ने चलाई हैं, शुरू की हैं, तमाम योजनाएं शुरू होने वाली हैं, खास फोकस है इस बड़े वोट बैंक का। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पसमांदा सम्मेलन किया, ओबीसी सम्मेलन किया, और इन वोट बैंक को बहुत खास तवज्जो दी है, तरजीह दी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी चाहती है कि जो प्रक्रिया है, जो जिस तरह से उन्होंने अपनी मनमानी प्रक्रिया अपने फायदे के लिए की थी, ये पहले दिन से आरोप लगा रहे थे, जब जिस दिन सरकार चुनाव की तैयारियां कर रही थी, जब आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी और जब निकायों का गठन, ये माना गया था कि निकाय सारे एक तरह से स्थगित कर दिए गए हैं, जब 12 दिसंबर की तारीख को सारे निकाय और सारे निगम का कार्यकाल स्थगित कर दिया गया था, उसके बाद से ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा विषय हो गया था और लगातार हमला करती रही थी समाजवादी पार्टी, और उन्होंने आरक्षण को लेकर सवाल भी उठाए थे, कहा था कि गलत तरीके से आरक्षण किया गया है। बहुत सारी अलग अलग याचिकाएं इसी मुद्दे को लेकर थी, जो ओबीसी आरक्षण है, चाहे वो पार्षद कोटे पर हो या जिला चेयरमैन होता है, उसके और अब सरकार का कदम क्या होगा, क्योंकि सरकार यहाँ पर दोनों तरफ से ही फंसी हुई नजर आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, पूरी जानकारी देने के लिए आपका। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।